रूडो ठाकुर महरो रूडी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निरबाणी हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहन शाह गुरु गोबिंद सिंह बरदो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा काहा गुरु गोबिंद सिंह चवर शतर तखत दे मालक साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत दी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों बड़े सहज विच तुरकी बाणी दा फुरमान श्री मुखवाक सरवण कीता है। आओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी पवित्र बाणी दसम ग्रंथ विचों विचित्र नाटक दी जो विचार चल रही है सरवण करके अपने समय नूं जीवन नूं सफला करिए। रास ने मंगल पढ़िया है गुरु नानक साहिब दा फुरमान है रूडो ठाकुर महरो रूड़ी गुरबाणी। रूडो दो भाव है सुंदर। परमात्मा कहिंदे जो महरो प्रगट स्वरूप है ना वो आप सुंदर है। उदे बोल भी बड़े सुंदर ने। वड्डा भाग सतगुर मिला पाई है पद निरबाणी। सतगुरां तो यह बाणी प्राप्त होंदी है। वड्डियां भागा नाल गुरु दे दर ते मन तन करके चुकिया जांदा है। ते जेड़ा गुरु पातशाह पासों बाणी दी प्राप्ति कर लेंदा है निर्बाण पदवी नूं ओ हासिल करदा है। निर्बाण दा भाव है हर बंधन तो छुटकारा। चाहे वो विकार ने जीवन चों निवृत्ति हो जाएगी। चाहे वह 84 लाख का गेड़ है 1,84 जोन भरमाया उतों निजात हासिल हो जाएगी। विरक्तता हासिल हो जाएगी जेड़ा बाणी ते भरोसा रखता है। महाराज अकाल पुरख की ताकत दर्शाते हुए गुरु गोबिंद सिंह अपनी पुरजोर कलम नाले बचन कहिंदे ने रावण से मह रावण से कट कानों से पल बीच पिछारे बारद नाद अकंपन से जग जंग जुरे जिन स्यों जम हारे। महाराज कहिंदे रावण जेड़ा है बड़ा सूरबीर होया है। सूरमा सी विद्वान भी सी चतुर वक्ता सी। कहिंदे सब नूं जित लिया उसने
एक महरावण का जिक्र भी आता सनातन मत विच। कहिंदे चाहे वो रावण है ते चाहे वो महरावण है। वाल्मीकि जी ने एक महरावण का भी जिक्र किया है। तुसी गूगल ते सर्च करोगे ते वो पढ़ सकते हो। अच्छा वो अपनी रामायण विच उहदा जिक्र करदे ने। खैर कोई रावण वर्गा सूरमा है दावा करे भी मैं काल जित लिया है, चाहे वह रावण नालों भी महान होवे सूरबीर होवे। कट कानों से पल बीच पछारे कट कहिंदे ने कुंभ नूं घड़े नूं, भाव रावण दा भाई कुंभकर्ण वो भी वड्डा सूरमा समझिया गया। कहिंदे दुनिया नूं काल नूं जित्तण दा दावा करन वाले रावण वर्गे महरावण वर्गे कुंभकर्ण वर्गे पल बीच पछारे एक निमख भर दे विच एक सैकंड दे विच एक पल दे विच पछारे तो भाव है पटक के सुट दिते। ये रामचंद्र जी ने किवें कीता? कलगीधर कहिंदे तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दह सिर काया। अकाल पुरख तो ताकत लैके श्री रामचंद्र जी ने रावण टालिया। गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है ना, भूलो रावण मुगध अचेत लूटी लंका सीस समेत। जदों रस्ते तो भड़क गया, करम ऐसा कर बैठा, रामचंद्र जी की स्त्री नू अगवा कर लिया, वो फिर अपनी पत की खातर उन्होंने जंग लड़ी है, रावण हारिया, लंका लुटी गई। पातशाह कहिंदे ने हुण तुसी आखोगे भी यह सिखां नू क्यों दस रहे ने महाराज? इहदा एक कारण है भारतवर्ष दे लोकां नू दसण दा। मुगलों का ऐसा जोर पै गया भी भारतवर्ष के लोग अपने लड़कियां दे डोले दे के राज कमाउण लग पए। पढ़ लो ये भारत की हिस्टरी। ते कलगीधर पातशाह कहिंदे मूरता अगे बैठ के मंत्र पढ़दे हो, 700-800 साल तो गुलाम हो, किसे मूरत ने उठ के मदद नहीं कीती, जिस मूरत अगे बैठे हो उस श्री रामचंद्र जी का जीवन पढ़ो। तुसी लड़कियां दे डोले दे के राज कर रहे हो ते तुहाडा सनातन मतियां दा भगवान जिस दिन रावण ने सीता जी नूं ले जाना कीता है ते तलवार दे बल ते सीता जी नूं भी लियांदा ते रावण दा खुरा खोज भी मिटाया, ये तुहाडा लोकां दा इतिहास है ते तुसी डोले दे राज करते हो। गफलत दी नींदे सुते लोकां नूं जगाउणा सी युद्ध किरिया विच लगाउणा सी लोकां नूं, वीर रसी बनाउणा सी लोकां नूं। खैर महाराज कहिंदे बड़े वड्डे सूरमे सन, चाहे रावण है चाहे कुंभकर्ण है चाहे महरावण है, काल अकाल उहदे अगे एक नहीं चलदी, उह पल विच पछाड़ के सुट दिंदा है। बारद नाद अकंपन से जग जंग जुरे जिन स्यों जम हारे। वारद कहिंदे ने मेघ नूं बदल नूं, बदलां वांगू गजण वाला, नाद शब्द नूं कहिंदे ने बदल वांगू गजण वाला। बारद नाद कौन है? बारद नाद तो भाव है दीन दुनिया दे मालक एक गल समझाउंदे ने, कहिंदे देख सिखा रावण दा एक बड़ा वड्डा वजीर होया है, वो मामा भी सी रावण दा, जिथे बदल वांगू गजण वाला भाई मेघनाथ सी उथे अकंपन एक वड्डा वजीर सी उहदा, वो मामा भी सी रावण दा। कहिंदा है इन्हां नूं भी बड़ा माण सी, अपनी ताकत उत्ते बड़ा माण सी इन्हां नूं, मेघनाथ नूं ते पातशाह कहिंदे नाल अकंपन नूं।
सो महाराज कहिंदे जग जंग जुरे जिन सिउं जम हारे। दावा करदे सी भी जे मैदाने जंग विच जुड़ जाइए जूझिए जमां दे नाल ते साडे कोलों जम वी हार जाणगे। कहिंदे इदां दे वी दावा करन वाले होए ने। कुंभ अकुंभ से जीत सबै जागो सातुहूं सिंध हथियार पुखारे। कुंभ ते अकुंभ जिन्हां नूं देवी दुर्गा ने मारिया सी, मैं फिर कह दवां वह ताकत कित्थों आई, तैं ही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया। अकाल पुरख ने ही देवियां देवतियां नूं ताकत दित्ती है। कलगीधर हर बाणी की रचना ते हर इतिहासिक तत्थ नूं जदों अपनी बाणी विच लिखदे ने, पहला अकाल पुरख की उस्तत, अखीर ते उस्तत ते विच सतपुरशां दा जीवन जोधियां दा जीवन बयान करदे ने। शुरू च उस्तत तां है भी जिसका भी जीवन लिखन लगे हैं, चाहे किसी भी धर्म का अवतार है, वो सिखा इष्ट नहीं है तेरा, तेरा इष्ट अकाल पुरख है। केवल उस अवतार दे भगवान दे जीवन चों चंगे गुण ग्रहण कर लै ते अखीर विच किते तू जीवन पढ़ के उदा उपाशक ना बन जावे ते अखीर ते कह दिंदे ने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। ये मत की कहिंदे ने, ये अवतार की कहिंदे ने, इहदे नाल मतलब नहीं। इन्हां दे जीवन चों जुझारू पख लै, विकारां दी गुलामी नूं ज्ञान दी खड़ग नाल कट दे ते प्रतख मुगलां दी गुलामी नूं शस्त्र नाल कट दे। इस समय बाबत पातशाह ने एक आवाज़ बुलंद कीती सी ते अखीर ते अकाल पुरख दा ही कहिंदे तू उपाशक रहना है। हुण कहिंदे जिहड़े कुंभ ते अकुंभ सन, जिहड़े कहिंदे असीं दुनिया जित्ती है और कहिंदे ऐसा जोर कि जिहड़े सत समुंदर ने ना, कहिंदे असीं जिते हुए ने ते इन्हां विच अपने शस्त्रां नूं साफ करदे सी, धोंदे सी जंगां जित जित के। जे जे होते अकटे बिकटे सो कटे कर काल किरपान के मारे। अकटे तो भाव है जिहड़े कहिंदे सी सानूं मैदाने जंग विच कोई काट ही नहीं सकदा, अशेद। बिकटे, बिकटे का मतलब है जिहड़े बड़े कठोर चित ने, बड़े गांधीव सूरमे ने, चिपरां वर्गे जिन्हां दे शरीर ने, करड़े ने, जिहड़े सिर नहीं नवाउंदे। सो कटे कर काल किरपान के मारे, पर अकाल पुरख दे हुकम विच काल दी हुकम रूपी तलवार दे नाल ओह भी कटे गए, ओह भी बड़े बड़े करड़े सूरमे भी टिक नहीं सके। जो कहूं काल ते भाज के बाचियत तो कहे कुंट कहूं पज जाइए। जे तुसी आखो भी मौत तो भज के बच जावांगे, जे सूरमे नहीं बचे ते असीं बच जावांगे, ते गुरु ग्रंथ साहिब ने भी हुक्म किया है, दसम बाणी ने भी हुक्म किया है, कहिंदे तू भज तो किहे कुंट कहों भज जाइए। ये देख लई भी किहड़ी दिशा वल भजना है। निसदिन सुन कै पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने, कहिंदे देख तू पुराणियां साखियां प्राचीन कहानियां नहीं पढ़ियां, निसदिन सुन कै पुराण समझत नह रे अजान। तू अज ताई क्यों नहीं समझिया काल तो पहुंचो आन, कहां जह भाज रे, किथे भज के जावेगा। काल तो भजया नहीं जा सकता, डेथ हैज अराइव्ड, मौत आ गई है। कहिंदे नो वे विल यू रन, भज जिथे भजदा है किथे भजेगा, कहिंदे कोई दिशा है ही नहीं है जिथे बच जावे। तू कहिंदे जिथे भी जावेगा, आगे हूं काल तरे अस गाजत, शाजत है जिह ते नस आई। जिथे भी तू जावेगा ना, अगे काल गजदा ही तैनू मिलेगा, भाव मौत उथे ही होगी, काल उथे ही होगा। शाजत, शाजत का मतलब है शोभा बड़ी है जिसकी, वो ताकतवर है सब नालों, उहदे वर्गी किसी की शोभा नहीं है। बाणी का एक फुरमान है, फरीदा रुत फिरी वण कंबिया,
पत झड़े चढ़ पाहे चारे कुंडा ढूंढियां रहन कि थाऊ ना है। कहिंदे दुनिया के किसी कोने विच भी जा है। जदों उस इलाके च पत झड़दा मौसम आउंदा ना पत्ते झड़ जांदे ने हर रुख दे मुश्किल रहना फिर पत्तियां दा। कहिंदे जदों काल रूपी पत झड़ आउंदी है ना किसी भी दिशा विच चलिया जाई समा आ गया जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना पाई। समा आ जावे फिर कहिंदे हर सूरबीर राजे निर्धन नूं जाणा पैंदा है। सो दीन दुनिया दे मालक इत्थे यही गल समझाउंदे ने वो अगे ही खड़ा होवेगा जिथे तू जावेगा। ऐसो न कह गयो कोई सोदावरे जाहे उपाव सो घाव बचाइए। हुण जे आपां ए आखीए भी कोई दा पेच ही सिख लईए जिदा दुश्मन सामने ढाल लैके खलो जाईदा ना वार तों बचण दे लई भी कोई ढाला ही होवे कोई दा ही सिख लईए जिहड़ा काल तों मौत तों बचा लवे। महाराज कहिंदे ने ऐसा अवसर ऐसा दाव ऐसा मौका नहीं आवेगा समा नहीं मिलेगा ना कोई दा पेच है उहदे कोलों बचिया जा सके। उपाव तो मतलब है जतन घाव बचाइए काल दे प्रहार तो फट तो बचण लई घाव तो बचण लई कोई तरीका नहीं है। महाराज कहिंदे याद रखियो फिर अगे पातशाह काल पुरख की वड्याई करदे कहिंदे ने जाते ना छूटी है मूड कहूं हस ता की ना क्यों शरणागत जइया। कहिंदे ऐ मूर्ख जदों बचिया ही नहीं जा सकदा काल कोलों बचा है ही कोई नहीं है ते क्यों ना फिर ओदी शरण जाके ही बेनती करिए भी अंत समा सुखाला आ जावे। मौत संत नूं भी आउणी है साखत नूं भी आउणी है। संत प्रवान करदा है वो जानदा है जन्म लिखाए मरण लिखाए मंडल मह आए वो जानदा है लिख तो ही है स्वास मिले ने साकत जतन करदा है बच जावा। पर याद रखियो महाराज कहिंदे इत्थे बचा नहीं हो सकता। एको ही हल है उस अकाल पुरख की शरण जाइए समरथ स्वामी कारण करण मोहे अनाथ प्रभ तेरी शरण। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहिंदे काल पुरख की शरण ही रहा गुजारा है अंत समा सुखाला आ जावे। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अगे फुरमान करते ने बड़े बड़े अवतारा की हुण गल करन लगे ने। कृष्ण आओ बिशन जपे तोहे कोटक राम रहीम भली बिद त्यायो। कोट बिशन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाए समाए। करोड़ा विष्णु जी दे अवतार आउंदे ने करोड़ा इत्थे शिवजी पैदा होंदे ने करोड़ा इत्थे ब्रह्मे पैदा होंदे ने कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। महाराज कहिंदे इह जिन्ने भी देवते ने तू इन्हां करोड़ां देवतियां नूं जपिया है राम रहीम भली बिद त्यायो। राम जी नूं भी तू जप के देखिया है रहीम इत्थे मुहम्मद साहब जी बाबत आया है। कहिंदे जदों समा आउंदा है ना किसे नूं भी तू जप लै किसे नूं भी तू ध्या लै। ब्रह्म जप्यो अर संभ थप्यो तेह ते तोहे को किन हूं ना बचायो। ब्रह्मा जी नूं जप लै संभ कहिंदे ने शिव जी नूं थप्यो दा भाव है भावें शिवलिंग स्थापन करके तू उसनूं भी जप लै किसे भी तू देवते नू रहबर नू महापुरश नू जप लै। ते महाराज गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहिंदे तेह ते तोहे को किनहूं ना बचायो अकाल पुरख दे भेजे काल तो तैनू कोई नहीं बचावेगा कोई बचा नहीं सकेगा।
महाराज दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने काहे को वाहिगुरु पातशाह इथे आखण लगे, कहिंदे कोट करी तपसा दिन कोट को काहू ना कौडी को काम कढायो। करोड़ा जन्म लै लै करोड़ा वार इन्हां दैविक ताकतां दे मालक दी इबादत कर लै तपस्या कर लै, काहू ना कौडी को काम कढायो। कौडी तो भाव रंचक मात्र भी ए भुलेखा ना खा जावी भी तेरा काम कढा देणगे भाव के तैनू जमा तो बचा लैणगे, ये नहीं होवेगा। काम का मंत्र कसीरे के काम ना काल को काओ किन हूं ना बचायो। अच्छा काम का मंत्र की है, मंत्र की है? कोई टप्पा कोई खास देवते दी कोई तुक ओदा अभ्यास करना जप करना, किसे वांशत मन वांशत सिद्धि नू प्राप्त करन लई। कहिंदे तू इस तरह कर, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे इच्छा कामना दी पूर्ति वाला भावें मंत्र पढ़ लई, कसीरे के कामना पैसे दा चौथा हिस्सा कसीरे नू किया जांदा है तेला। कहिंदे रंचक मात्र भी तेले दा भी काम नहीं तेरा किसे मंत्र ने कढ़ना, काल दे अगे कोई मंत्र जंत्र नहीं चलना। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहिंदे ने ना औखद मंत्र तंत सब शार, सब मंत्र जंत्र ओदे अगे शार ने, इको ही मंत्र तैनू रख सकता है। कहिंदे करना है हार रिदे मह धार, ओ एक अकाल पुरख है जे उनू दया आ जावे जिहदा भेजिया काल आउंदा है, होर कोई विच रखिया करन दे महाराज कहिंदे समर्थ नहीं है, उहदी ताकत ऐसी असीम है। अगे आखण लगे काल को काओ किनहू ना बचायो, किसे मंत्र जंत्र ने काल दे दित्ते फट तो तैनू बचाउणा नहीं है। काहे को कूर करे तपसा इनकी को कौडी के काम ना है। कहिंदे देख तू मंत्रां जंत्रां विच चौंकड़ा ला के बैठा है तपस्या कर रहा है। कहिंदे किस लई कर रहा है? अकाल पुरख की तपस्या कर, इन्हां मंत्रां जंत्रां ने कौडी का काम नहीं तेरा करना, छोटा मोटा कार्य भी सफला नहीं करना। तोहे बचाए सकै कहो कैसे कह, आपन घाव बचाए न है। कहिंदे फिर एक गल होर है, जिस खास हस्ती का तू खास मंत्र पढ़ रहा है ना रब तो लैदा, रब की वड्याई तो लैदा, जिथे दे काल पुरख की वड्याई है वह प्रवान है, प्रभु की वड्याई तो लैदा जेडे तू मंत्र जंत्र पढ़ता है ना। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे तैनू ये मंत्र नहीं बचाउणगे, क्योंकि इन्हां मंत्रां दे उचारण वाले आखण लगे आपन काव बचाए ना अहें, ये आप भी काल दे दिते हुए फट तो बच नहीं सके, सारियां नू जाना पैंदा है, रहण ना पावै सुर नर देवा। कहिंदे ना देवते रहिंदे ने ना दैंत रहिंदे ने ना संत रहिंदे ने ना साकत, सब दुनिया तो चले जांदे ने। ते फिर एक चोट करदे ने महाराज सच्चे पातशाह, कहिंदे चेतरे दीन दुनिया दे मालक इत्थे कहिंदे ने कोप कराल की पावक कुंड मैं आप टंग्यो तिम तोहे टंगे है। कहिंदे देख ओ जेड़ा अकाल पुरख है ओदा जेड़ा काल है ना जो लैता करदा खात्मा करदा है, कहिंदे कोप ओ बड़ा क्रोध विच आउंदा है, कराल तो मतलब ओ बड़ा भयानक है, पावक कहिंदे ने अग नूं ओदे क्रोध दी अग तो। महाराज कहिंदे क्रोध रूपी अग दे कुंड तो जितने भी दुनिया दे उत्ते आगाज करदे ने आउण वाले ने वो आप नहीं बच सकदे, वो आप लटका दिते जांदे ने। ते कहिंदे तैनू भला किवें कोई बचा सकेगा,
तैनू भी तोहे टंगे है पुठे ही लड़कना पवेगा। चेतर चेत अजो जी मैं जड़ो काल कृपा बिन काम न है। कहिंदे हे अचेत इंसान गाफल इंसान मूर्ख इंसान होश तो हीणे इंसान होश विच आउणा कर। जड़ दा मतलब है मूर्ख। होश विच आउणा कर काल कृपा बिन काम न है। अकाल पुरख तो बिना ओदे काल तो बिना तेरे किसे ने काम नहीं आउणा। महाराज पातशाह एक गल कहिंदे ने भज मन मेरे एको नाम जी तेरे कह आवै काम। केवल एक अकाल पुरख दा नाम ही रखिया करन दे समर्थ है। सो मैनू इस गल दी समझ नहीं आउंदी भी दसम बाणी तो जिन्हां वीरां नूं कई बार मुश्किल आउंदी है आउंदी कित्थे है। वो कह दिंदे जी ये सनातन मत ना ये तांत्रिकाना है ये फलाने नाल जोड़दी है टमकाने नाल जोड़दी है। मैनू तो कित्थे भी 1428 अंगां दे उत्ते ये लभ्या ही नहीं है भी अकाल पुरख तो लहदा गुरु गोबिंद सिंह दी बाणी ने किसे करेत नाल जोड़िया आवे करते नूं छड्ड के। जे तुहानूं लभ्या ते लै आओ आपां विचार कर सकदे आं उहदे ते। जिस अकाल पुरख की वडियाई गुरु ग्रंथ साहिब विच है उहदा ही विस्तार उहदी ही वडियाई उहदी ही अगमी रचना की बात महाराज ने पाई है। सो महाराज कहिंदे ने इत्थे कोई देवी देवता रहबर महापुरश रहण वाला नहीं है। जे काम कढाउणा है ना ते अकाल पुरख दे गीत गाया कर। हुण पातशाह अगे समझाउंदे ने ताहे पछानत है ना महापस जाको प्रताप तेहू पुर माही। कहिंदे ए पशु बिरती है साडी भी जिस अकाल पुरख ने सब कुछ दिता है उहनू असीं पछाणदे ही नहीं। कहिंदे जाको प्रताप जिहदा प्रताप तेज जिहदी बरकत जिहदी करामात तेहू परमाही तिना पुरिया विच समुचे ब्रह्मांड विच छाई हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की कहिंदे ने पाताल पुरिया लो आकारा तिस विच वरतै हुकम करारा। ये पुरिया च आकाश अंदर ब्रह्मांड अंदर अकाल पुरख का हुक्म ही चलता है। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे ने उहदी तू पछाण नहीं कर रहा। पूजत है परमेसर कै जिह कै परसै पर लोक पराही। पर जिन्हां नूं तू परमेसर बना के पूज रहा है जिन्हां दे तू मंत्र पढ़ रहा है ना दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे परम ईश्वर समझ के जिन्हां दे तू गीत गा रहा है जिह कै परसै पर लोक पराही। परलोक बैकुंठ नूं कहिंदे ने स्वर्गां नूं ते पराही तो भाव है स्वर्गां तो भी परा। वो कहिंदे तेनूं उहनां सचखंड वल बैकुंठ वल स्वर्गां वल ते की भेजणा है जे अकाल पुरख तो लहदा। महाराज आखण लगे उहदी कृत दी पूजा विच लग गया ते दीन दुनिया दे मालक कहिंदे तेनूं स्वर्ग तो भी अगे छड्ड आउणगे नरकां नुरकां वल तेरा स्वर्ग भी जांदा रहणा है। ये अकाल पुरख दे नाल जोड़न दी पातशाह दा फुरमान है। अगे महाराज कहिंदे ने पराही तेरा परलोक भी विगड़ जावेगा उतों भी परा चलिया जावेगा। पाप करो परमारथ कै जिह पापन ते अत पाप लजाही। फिर तू महाराज कहिंदे जीवन विच पाप भी ते बड़ा करदा है ना। पाप दा भाव है कुकर्म भैड़े कर्म वो आपां सारिआं नूं पता है की ने। काम क्रोध लोह मोह हंकार विच कीते होए कर्म पाप बुरा पापी कहो प्यारा। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे कर्म माड़े पर पापी जिहड़ा है उहनूं पाउंदे ने वो इस लई करदा है। पाप लदे पापे पासारा वो पाप नाल लदिआ जांदा है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे एक बन्ने ते तू पाप भी बड़े करी जाना है दूजे बने पापा नूं हरण वाले परमात्मा नूं भी तू नहीं जपदा।
और ऐसे पाप करता है भी खुद पाप नूं भी शर्म आ जावे, लज्जा आ जावे। सो महाराज दीन दुनिया दे मालक अगे एक गल कहिंदे ने, पाए परो परमेसर कै जड़ पाहन मैं परमेसर नाहीं। जिहड़े कहिंदे भी सनातन मत दी ये रचना है, हुण इहदे अर्थ पढ़ो। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे पत्थर दे विच चेतनता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहिंदे ने जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जीओ। पत्थर विच चेतनता नहीं है, वह जड़ है। ते हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे ने पाए परो परमेसर कह, तू परमात्मा दे चरण पकड़, भाव परमात्मा दे चरण हिरदे विच वसा। जड़ पाहन मैं परमेसर नाही, ना समझ पत्थर दे विच रब नहीं है। तुसी सनातन मत दे वेद भी पढ़ो ना, वह भी निर्गुण की गल करते ने। बाणी विच तां ही ते आउंदा वेद कतेब कहो मत झूठा झूठा जो ना विचार है। ये ब्राह्मण ने बाद च जिहड़े पुराण लिखे ने उन्हां दे विच इसने मूर्ति पूजा की शुरुआत की है। वेद निर्गुण की गल करते ने, जो असल सनातन मत का धर्म है। दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी यही समझाते ने, यही समझाते ने किसनू सिमरना है। कहिंदे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। गुरु के शब्दावतार गुरु गोबिंद सिंह की बाणी, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी दे शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब, चाहे दशम बाणी पढ़ लो, यही उपदेश है भी सिखा ध्यान दे, जिहड़ा डुबदे पत्थरां नूं तारन वाला उस अकाल पुरख नूं जपना है। दीन दयाल सगल पै भंजन, सरन ताहे तुम पर रे। शरण ग्रहण करनी है, किहदी करनी है? पाए परो परमेसर कह, परमेश्वर दे चरण पकड़ने कर। मौन भजे नहीं, मान तजे नहीं, भेख सजे नहीं मुंड मुंडाए। कई मौन धारी हो जाते हैं, खामोश होके रब नूं पावांगे, इदां नहीं। जे खामोश ही रहना है तो पत्थर ते रुख खामोश ने। तैनू उत्तम जन्म मिलिया, तैनू जबान दिती है, कादे लई मिली है? गीत गाउण दे लई, अकाल पुरख दे गुण गाउण दे लई, तां कि तू जीवन सफला कर सके। भई पर रापत मनुख दे हुरिया, गोविंद मिलण की इह तेरी बरिया, अकाल पुरख दे गीत गा। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे इदां चुप कीतिआं खामोश होइआं कई माण चुकी फिरदे ने, मैं तेरी मौन धार लिया, हुण मन ते चुप करदा नहीं। तरह तरह दे इहदे च फुरने आउंदे ने, जबान नूं चुप करवाया की कर लवेंगा। चुप ते मन नूं करवाउणा सी, मन जीता है जग जीत, जितना ते मन नूं सी, जबान नूं चुप करवाया कुछ नहीं होवेगा। उल्टा माण चुकिया है, हंकार चुकिया है, भेख सजे नहीं मुंड मुंडाए। एक गल गुरु ग्रंथ साहिब ने भी कही है, बाहर भेख अंतर मल माया। बाहरों असी धार्मिक लिबास पा लैने हैं, पर अंदर साढ़े रब का नाम नहीं हुंदा। उत्थे जिहड़ा तुहाडा धार्मिक बाणा भी है ना, उहदी भी जिहड़ी फिर वैल्यू है वह घट जाती है, क्योंकि उत्थे भेख बन जाता है। हुण जिहड़ा नकली रुख है डेकोरेशन लई लगे हुंदे ना सड़क ते, वह खुशबू ही नहीं दिंदा, फल नहीं दिंदा, क्योंकि जड़ है नहीं है। सिखी अंदर है, बीज अंदर है, ते जिवें बीज धरती विच होवे ते रुख बन के प्रगट हुंदा है। यह खालसे दा सरूप प्रगट सरूप है। सिख अंदर है, खालसा बाहर है। सिख अंदर है, सिंह प्रगट है। ते जे धरती विच सुटिया बीज फसल बन के ना उगे ते फिर आपां की कहिंदे आ? कहिंदे बीज गल सड़ गया होना है। यह भी दावा ना करो मेरे अंदर सिखी है, मैनू अमृत छकण दी लोड़ नहीं। नहीं, गुर के भाणे विच अमृत है, गुरु का हुक्म है अमृत छकना। सो इस गल का ख्याल रखियो, अंदर सिखी हुंदी ते बाहर रुख पैदा हुंदा, अंदर बीज हुंदा ते रुख बन के प्रगट हुंदा। खालसा सजदा तू, पर अंदर कुछ नहीं है। दावा पिया करदा है बीज अंदर है, गल सड़ गया होगा, अंदर कुछ नहीं है।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੇਖਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਦਖਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਭੰਨਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੇਖ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਨਾ ਕੰਠੀ ਕਠੋਰ ਧਰੈ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਝੂਠ ਸਹਾਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੱਤ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਠੀ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਠੋਰ ਸਖਤ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਚਾਹੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਜਟਾਨ ਕੇ ਝੂਠ ਸੁਹਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਅਧਿਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਟਾਵਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਈ ਹੈ ਤਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁਡਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਐਨ ਗੰਜ ਕੱਢ ਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕਈ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਖੇਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਟਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੰਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕਟਾਉਣਾ ਮਨ ਮਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੁਟਾਨ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਲਾ ਤੂੰ ਜੂੜਾ, ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਬੋੜ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਸੁਆਹ, ਵੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਚਿਤ ਦੈ ਬਿਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੀ ਸਾਮ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹਰਣ ਦੀਨ ਸਰਣ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ ਤੇ ਹਰ ਤੇਰਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਖ ਵੀ ਸਫਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿਧਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਿਆ ਜਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਤ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾ ਭੀਜਤ ਲਾਂਡ ਕਟਾਏ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਉਸ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ
लिखे बचन कमाउण दी बजाए केवल तुसी आखो सुन्नत करवाउण ना सच्चे मुसलमान बन जाईदा ते नहीं। कबीर जी नू जोर लाया सी मुसलमान बनो, कहिंदे जाओ रे खुदाए मोहे तुरक करेगा आपन ही कट जाई। कबीर जी कहिंदे ते फिर सुन्नत उत्तों ही होके आउणी चाहीदी सी। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे कैसी सुन्नत चाहीदी है, कहिंदे सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसल मान। तू सचा मुसलमान बनना है ना मंदे कर्मां नू कट लै, भाव के सुन्नत कर लै, ये सुन्नत कर। सील रोजा जत सत दा धारण कर, ये रोजा रख, ये वर्त रख भी हथां नाल इंद्रियां नाल बुरे कर्म नहीं करने। हुण लिंग लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आउंदा है, होवह लिंग झिंग नह होवह ऐसी कही है सूरत। हुण जैसे भी अर्थक उसे तरह दे अर्थ किते जा सकते ने। अगे भी कहिंदे ने ना जो उस इशे सो फल पाए ता नानक कही है मूरत। यही लफ्ज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वरते ने, मुश्किल की है, उपदेश सीधा है। कहिंदे सुन्नत कराया ये गल नहीं बनती, इस्लाम की सिख्या भी ते अंदर धारना जे तू सचा मुसलमान है। ते अहनस प्रीत शब्द सच है, हर सरवासा पावणिया जेड़ा असल दे विच दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने उस परमात्मा दे गीत गाउंदा है, उस परमात्मा दे नाल प्रीति पाउंदा है। प्रीत करे प्रभ पायत है, उसनों ही परमात्मा दी प्राप्ति है, चाहे वह हिंदू वीर है, चाहे वह मुसलमान है, चाहे वह सिख है। जे वस्त्र केवल दिखावे दे ने अंदर रब दा नाम नहीं ते वस्त्र काम नहीं आउंदे। सो इस करके ख्याल रखना, सिद्धांत भी जरूरी ने ते खंडे दी पौल भी जरूरी है, चिन्ह भी जरूरी ने। जे चिन्ह ना धारे हुण ते पता नहीं लगेगा तुसी कौन हो, किस मजहब नू धर्म नू तुसी बिलोंग करदे हो। यूनिफॉर्म ना होवे ते पता नहीं लगेगा काका किहड़े स्कूल पढ़दा है। गुरु पातशाह अगे हुण अकाल पुरख दी अखीरली पौड़ी दे विच अगम्मी वड्याई बयान करदे ने, जिथों तुहानू समझ लगेगी भी इह रचना किस दी है। वैसे ते कली कली पंक्ति ने यह पक्ष जाहर कर दिता है भी अकाल पुरख की वड्याई है। महाराज आखन लगे कागद दीप सबै करके अरसात समुद्रन की मस कै हो। कहिंदे इदां करो, देवी देवते साधु सत पुरश इन्हां च कुछ ना कुछ गुण ने, तुसी लिखण भी लग पो ते गुणा नू अपनी कलम दे घेरे च समेट सकदे हो भी इन्ने की गुण ने। कहिंदे इस तरह करो, सारस्वती सरस्वती देवी नू कहा है, और जेड़ी सरस्वती देवी है ना पुराणा दे सनातन मत दे अनुसार ब्रह्मा जी दी इस्त्री है, विद्या दी ते वाणी दी देवी है। जेड़े वाणी गाउंदे ने ना वो इस नू सिमरदे ने। जो ये कोई ग्रंथ शुरू करता है ना सनातन मत विच वो सरस्वती नूं त्या के उहदा मंगल लिख के करता है। कहिंदे मैं दसदा तुहानूं जिस दी मैं वड्याई लिखी है अपनी बाणी विच उह किड्डा कु वड्डा है। कहिंदे इदां करो, देवी सरस्वती नूं बेनती करो वह वक्ता बन जावे, वक्ता वह परमात्मा दे गुण बोल के दसे। हुण अगे महाराज कहिंदे ने जदों वह गुण गा के दसे बोल के दसे ना, कागद दीप सबै करके अरसात समुंदरन की मस कै हो। हुण उन्हें बोलना है ते महाराज कहिंदे इस तरह करो, वो विद्या दी देवी है, तुसी जिन्ने भी दीप ने ना ग्रह ने, ये जितने भी खंड ने धरती दे, जिन्ने भी टुकड़े ने जो समुंदरां दे घेरे विच ने, ये सारे टुकड़िया का कागज बना लो भी इन्हां कागज तैयार कर लवो। अर सात समुंदरन की मस कै हो, मस कहिंदे ने शाही नू, संस्कृत विच मस कहा जांदा शाही नू। कहिंदे सत्तां समुंदरां दे पानी दी जल दी शाही बना लवो। काट बनास पति सगरी लिखबे हूं के लेखन काज बनै हो। ते जिन्ने भी रुख ने ना सारे ही कट दियो,
इन्हां दीआं कलमां कढ़ लवो, लकड़ दीआं कलमां कढ़ लवो, सारे दीपां दा कागज बना लवो ते समुंदरां दे जल दी सारी शाही बना लवो। सारस्वती बगता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखै हो। देवी सरस्वती नूं आखो तू हुण रब दे गीत सुना, ते कहिंदे इंसान ते लिख नहीं ना सकेगा, वह विद्या दी देवी कही गई है, विद्वान बड़ी है। कहिंदे हुण तुसीं इदां करो, गणेश जी नूं कहो तुसीं एक कलम फड़ लो, रब दे गीत लिखने ने, गुण लिखने ने। गणेश विष्णु जी का उन्हां नूं वर सी, आखे जिहड़ा उन्हां नूं त्यावेगा सारे कारज होणगे। तां ही हिंदू मत वाले कविता का उचारण करना है जां घर बार कोई कार्य आरंभ करना है, वह त्यौंदे ने गणेश जी नूं। ते सिख किस नूं त्यौंदा है? अकाल पुरख नूं, परमात्मा नूं, परमेश्वर नूं, जिहड़ा सब देवी देवते रहबरां दा करता धरता है, जो कुल कायनात दा मालक है। हुण गुरु पातशाह आखण लगे श्री गणेश जी जिहड़े ने ना, उहनां नूं इह वी वार है। ब्रह्म वैवरत पुराण विच जिक्र है, होरा पुराणा विच वी जिक्र है भी वह बड़े तेज लिखारी ने। कहिंदे उहनां नूं लिखण ला लवो, सरस्वती उहदे गीत गावे, गणेश जी उहदे गीतां नूं लिखण, समुंदरां दी शाही, दीपां दा कागज, रुखां दीआं कलमां बना लिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे अंत नूं इही गल कहांगा, काल किरपान बिना बिनती ना तौ तुम को प्रभ नैकर जय हो। उस अकाल पुरख दे गीतां दा अंत सरस्वती देवी नहीं पा सकती, जितने भी गणेश जी वर्गे महापुरश ने नहीं पा सकते। अकाल पुरख की बुलंद हस्ती ऐसी है, काल किरपान जिहदे हाथ विच हुक्म रूपी किरपान है, ज्ञान की तलवार है, विकारां नूं कट दिंदा है साडे काम क्रोध नूं, हुक्म की तलवार है, जिहड़ा अपने हुक्म विच दो धारा खंडा लैके चलदा है। भाव की है? एक धार दुनिया पैदा हो रही है, दूजी धार खात्मा कर रहा है। कहिंदे जिहड़ा ओह ना किरपान नूं, हुक्म नूं धारने वाला परमात्मा, जिन्ने भी कहिंदे तुसीं कर्म कर लो, जितने भी गीत गा लवो, उहदा अंत तुसीं नहीं पा सकोगे। समुंदरां दे अंत पाउण दी लोड़ नहीं है, चुभी लओ ते आनंद लओ, उहदे गीत गाओ ते आनंद लओ। गुरु ग्रंथ साहिब वी कहिंदे अंत कारण केते बिलाहे तां के अंत ना पाए, उहदा अंत नहीं पै सकदा। गुरु नानक साहिब ने हू बहू यही बचन प्रगट कीते ने, अल्फाज कुछ वखरे ने, नानक कागद लख मणा पढ़ पढ़ कीचै पाओ। लखां मण कागज इकट्ठा कर ला, बड़े प्रेम नाल लिख, बड़े प्रेम नाल पढ़। कहिंदे मसू तोट ना आवई, लेखण पौन चलाओ। हुण ते इथों दे कलम ते चलनी नहीं, कहिंदे भावें हवा वांगू कलम चल पवे, वह भावें खुद हवा आके तेरी कलम चलावे, भी तेरी कीमत ना पवै हों केवड़े आखा ना, फिर भी तेरी कीमत तेरे गुणा दा गान करना, अंत पा लैना ये हो नहीं सकता। सो पातशाह दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने एक अकाल पुरख दे नाल जुड़ना है। जे ओ रीझ गया, जे तुहाडे ते ओ रीझ गया, कहिंदे बेनती करो उस दे अगे, काल किरपान बिना बेनती, बिना बेनती तो रीझदा नहीं है, उहदे अगे बेनती करो। गुरु ग्रंथ साहिब वी यही कहिंदे ने, अकाल पुरख अगे बेनती करो, आप त्याग बेनती कर है लेहो प्रभु लड़ लाए। ये तरला लिया करो काल पुरख दा, की कहना है, प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर सरणाए, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै। नीवा होके उहदे अगे बेनती कर, की कहना है, नानक तुमरी किरपा तरै काल पुरख। असी सब रहबरां महापुरशां अवतारां दा, हर धर्म दे मुरशदां दा अदब करते हैं, पर सिख केवल अकाल पुरख की शरण है। नानक अनद भए दुख भागे सदा सदा हर जाप, जिहड़ा उहदी शरण आया उहदे जीवन चों सारे ही दुख कटे जांदे ने। अकाल पुरख दे नाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी ये महान रचना बचित्र नाटक जो दसम ग्रंथ विच जोड़ दी है,
ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਸਾਜਾ, ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਯਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾਹਮ ਜਨਮੰਗ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਪਾਰਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾਹਮ ਜਨਮੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੰਝੂ ਹੈ, ਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਥਮ ਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਿਊ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਬੋਧਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 101 ਛੰਦਾਬੰਦੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਉਸਤਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਿਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਭ ਮਸਤ, ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਏ ਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਸੁਭ ਮਸਤ ਸੁਭੰਗ, ਸੁਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਸਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀ ਕਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਭ ਮਸਤ ਅਫਜੂ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਫਜੂ। ਅਫਜੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਕ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਵਤ ਕੀ ਪਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
बचे बची नूं सिख्या भी उठ के प्रबंधक दिंदे ने, उह ते बोल सकदे ने, सेवादार गुरु के बोल सकते ने, प्रधान साहब गुरु घर की सेवा करन वाले बोल सकते ने, गुरु के वजीर बोल सकते ने, आ लीडर आके भी बोल सकते ने, कई जिन्हों का धार्मिक पक्ष कोई नहीं है। अच्छा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी, गुर इतिहास भाई नंद लाल की बाणी, भाई गुरदास की बाणी तो की मुश्किल है। ये अकाल तख्त साहब का भी फुरमान है, हुक्म है, उत्थे भी हरिमंदर साहब गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच दसम बाणी भाई गुरदास भाई नंद लाल की बाणी का कीर्तन हुंदा है। और साडा सिर अकाल तख्त साहब अगे सदा झुकदा है, मर्यादा नाल जुड़िए, खंडे की पौल छकीए, गुरु वाले बनीए, इष्ट केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना है। और साहित्य जिन्ना भी है सिख धर्म का दसम बाणी, चाहे वह भाई नंद लाल की बाणी, भाई गुरदास की बाणी, गुर इतिहास गुरमुखा प्यारां दा इतिहास, उन्हूं सांभना है। तो मैं कह दवा ये गुरु ग्रंथ साहब ने ही हुक्म किया जो तुहाडे नाल सांझा करन लगा है। सुन साखी मन जप प्यार, कहिंदे साखियां सुन, इतिहास सुन गुरमुखा दे, तेरे अंदर भी रब प्रति प्रेम पैदा होवे, तेरा जीवन सफला होवे। दास इत्थे ही अपने विचारां नूं संकोचदा है। अगे जो बेनतियां ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादार इत्थे पहुँचे हुए ने, प्रधान मुख सेवादार सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा, और जिन्हां विशेष उपराला करके सिख जगत के अंदर जो दसम बाणी प्रति शंका पैदा होया सी, ये कार्ज कीता है सरदार हरबीर सिंह जी कालका जो जनरल सैकटरी ने, सेवादार ने गुरु घर दे, उन्हां दा ये उपराला सी। धर्म प्रचार कमेटी भी मौजूद है, राणा साहब भी इत्थे आए ने, भाजी गोल्डी जी हुणी भी इत्थे पहुँचे ने, सारिआं दा धन्नवाद। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद। महापुरश बाबा बचन सिंह जी, बाबा हरनाम सिंह जी पिंडरां वाले, बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, जो इन्हां दिल्ली के इतिहासिक गुरधामां दीआं सेवावां निभाउंदे ने, और दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, चाहे वह मैडिकल लाइन विच सेवा है, मैडिकल स्टोरां ते दवाइयां सस्तियां देणियां, चाहे लंगरां दी सेवा है, वध चढ़ के कर रहे ने। सहयोग आप संगत दा ही है, संगत सिर ते हथ रखे ते ये सेवावां हुंदियां ने। और हर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी यही मर्यादा, यही सिद्धांत चाहिए है भी गुरु धर्म विच सिख पंथ विच पैदा हुए शंकियां दी निवृत्ति इन्हां धार्मिक स्टेजां तों करवाई जावे, क्योंकि गुरु पातशाह ने सानू स्टेज ही तां दित्ती है। सिखा इस गल वल ध्यान दई, गुरु द्वारा होए सोझी पाई सी, गुरुद्वारे सोझी देण लई ने, गुमराह करन लई नहीं। सो इस करके ये सेवावां महाराज सफलियां करन दी। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।